नमस्कार कैथल खबर से, मैं विक्रम यादव। आज हमारे साथ कलर्क एसोसिएशन कैथल ब्लॉक के प्रधान राकेश धारीवाल मौजूद हैं। आपको बता दें कि 42 दिन कलर्कों का धरना चला है। डिमांड एक ही थी, 35,400 बेसिक पे करने की, लेकिन फिलहाल जो धरना है वो स्थगित कर दिया है। आगे की रणनीति को लेकर बातचीत करेंगे कि क्या कुछ इनकी रणनीति रहने वाली है और किन बातों पर जो सहमति है सरकार के साथ बनी है। तो बातचीत कर लेते हैं राकेश धारीवाल से। जी राकेश जी, जी मैं आपका भी धन्यवाद जी। और मैं राकेश धारीवाल, कलर्क एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी कैथल ब्लॉक का प्रधान हूँ जी। आगे महाराज देखो जी, ये 5 जुलाई को हमारी हड़ताल अनिश्चितकालीन शुरू हुई थी और हमारी 42 दिन हड़ताल चली। 15 जून इस प्रोसेस में 5 वार्ता हुई सरकार के साथ, उसमें सरकार किसी ठोस मुद्दे पर नहीं पहुंची। सरकार ये कहती रही व्यवहारिक बनिए व्यवहारिक बनिए, और बीच में दूसरी या तीसरी मीटिंग में हमारा 21,700 का सरकार ने ऑफर भी दिया या न अलाउंस देने की बात कही, लेकिन वो भी स्पष्ट नहीं किया सरकार ने हम आपको क्या और कितना अलाउंस देंगे। जो लास्ट की मीटिंग थी 15 अगस्त को सरकार के साथ, उसमें सरकार बिल्कुल ही नेगेटिव मूड में थी। सरकार ने बोले भी आप 21,700 लेना हो तो लो, इससे नहीं दे सकते आपको। तो हमने ये मांग है हमारे स्टेट बोर्ड ने बिल्कुल सिरे से नकार दी। आप ये कह सकते हैं हमें बिल्कुल ठोकर मार के आ गए। और मुख्यमंत्री साहब को हमारे डेलीगेशन ने ये बोल दिया, सर अब हम 19,900 में काम कर लेंगे, हमारा ये ड्यूटी टाइम वो काउंट कर दीजिए बस। तो उसमें तो हमें वहाँ से हमने उस टाइम मुख्यमंत्री जी ने बोला कि ऐसा करते हैं मैं आपके ना 3 महीने की समीक्षा कमेटी बना दूंगा आपकी, और इसमें जैसे 3 रिटायर्ड IPS होंगे, 2 हमारे कलर्क एसोसिएशन से भी चुने हुए प्रतिनिधि जाएंगे, सरकार के साथ बात करेंगे, इसका जो अपना डाटा वो सौंपेंगे जो भी रिकॉर्ड है। इस 3 महीने की समीक्षा कमेटी सरकार ने भी बनाई है। तो सरकार ने साथ धरना स्थगित करने के लिए बोले तो बाहर आ गए हमारे स्टेट प्रेसिडेंट ने धरना स्थगित कर दिया 3 महीने के लिए, ताकि जो भी बीच में प्रोसेस होगा सरकार के साथ बातचीत होगी, कार्य की समीक्षा बात करें, क्योंकि क्लरिकल पूरा कैडर की बात है जी। कलर्क तो इसमें है नहीं, कलर्क भी है, असिस्टेंट है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, सुपरिटेंडेंट है, अन्य विभागों में भी ऐसे ही सम पोस्ट हैं, सभी का कार्य समीक्षा सरकार करने की बात कही है। और मुझे नहीं लगता सरकार पॉजिटिव होगी, जैसे सरकार का रवैया लगता है ना, सरकार नहीं है किसी को आम जनता को वोट दे सकती किसी को। राकेश जी, 35,400 की आपकी डिमांड थी, अनिश्चितकालीन हड़ताल थी, क्योंकि जब तक 35,400 पूरे नहीं होंगे हम उठेंगे नहीं, लेकिन बीच में ही आपको धरना स्थल है वो छोड़ना पड़ा, क्या नौबत आई? ये नौबत तो सरकार बिल्कुल पॉजिटिव ही नहीं लगी बीच में जी। ये बीच बीच में ये कहते रही आपकी बस ये आखिरी मीटिंग है, लास्ट मीटिंग है, जो भी हमारे डेलीगेशन के सरकार के साथ बहुत कहीं ना कहीं बिल्कुल दबाव ही था मुझे तो लगता है साथियों पर। और अंदर ये सहमति मुख्यमंत्री बोले मैं आपकी कार्य समीक्षा कमेटी बना दूंगा 3 महीने के लिए, तो आपकी कार्य समीक्षा करके आपका जो वेतन बढ़ोतरी है उस पर बात की जाएगी जी। तो अब आगे की क्या रणनीति आप लोगों की रहने वाली आगे है? जी हमें डिस्ट्रिक्ट बॉडी की हमारी मीटिंग हुई थी सभी जिलों की, उसमें हमने कई स्टेट बोर्ड ने कई अहम निर्णय लिए हैं। उसमें जैसे हमें हर महीने की 5 तारीख को संघर्ष दिवस मनाएंगे, हर महीने की 15 तारीख को धोखा दिवस मनाएंगे। जो सरकार ने, मैं तो कहूँगा सरकार ने हमें धोखा दिया है, 42 दिन स्ट्राइक पे बैठाया और किसी छोटे से उसमें मुद्दे पे नहीं पहुँचना। सरकार की बिल्कुल नेगेटिविटी है, सरकार की बिल्कुल फेलियर है सरकार। आम किसी भी कोई भी जनता परेशान है, किसी भी उसका भला नहीं कर सकती, ना किसी का कर्मचारियों का, ना किसानों का, ना आम जनता का सरकार ने किया। हम जैसे महीने में हमारी 2 प्रोसेस ये रहेगी जी, हर 5 और 15 तारीख को हमें गेट मीटिंग करेंगे, जैसे विज्ञापन देने हैं किसी को या हमें और एक्टिविटी बदलेंगे। और अब अभी 1 या 2 दिन में स्टेट बोर्ड की हमारी मीटिंग हुई है, तो हम सभी विपक्ष के MLO को पूरे हरियाणा में विज्ञापन देंगे, चेताएंगे सरकार भी, सरकार ने हमारे सारे ऐसे ऐसे धोखा किया, आप भी हमारी आवाज़ उठाए। तो ये रणनीति आने वाली बिल्कुल जी। और सरकार ये मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से, कथल खबर के माध्यम से सरकार को ये चेताना चाहता हूँ, सरकार ये ना समझे हम कमज़ोर है, हम दुगुने जोश और यूनिटी के साथ लौटेंगे। जब सरकार का अभी तो 3 महीने का पीरियड है, हम अपनी एक्टिविटी करते रहेंगे, पूरे साथी जोश में है, उससे भी ज़्यादा संख्या बल के साथ
लौटेंगे सारे कर्मचारी, क्योंकि 3 महीने का सरकार ने जो टाइम दिया, हम भी टाइम देते हैं सरकार को भी, चलो कहती है सरकार कार्य की समीक्षा करेगी, सरकार आपके मुद्दों पर हम बोल लेंगे, लेकिन 3 महीने के पूरे होने के बाद सरकार को बिल्कुल चेतावनी दी जाएगी, या तो इन 3 महीनों के अंदर अंदर हमारी कार्य की समीक्षा करके हमारे वेतन की घोषणा कर दे, नहीं तो हम दोबारा से फिर दुगने जोश और यूनिटी के साथ धरने पर बैठेंगे जी, बिल्कुल पूरे जोर से, और सरकार के साथ ये आर पार की लड़ाई होगी हमारी, आर पार के मुद्दे में बिल्कुल जी आर पार की लड़ाई की, बचे नहीं हमारे पास जी कुछ, आर पार की लड़ाई हमने बैठना ही पड़ा है, बचे ही नहीं कुछ साथी को, बार बार सरकार धोखा कर रही है, पहले सरकार ने 3 साल से हम लग रहे हैं सरकार के साथ, पूरे अनुशासन में हमने सभी जनप्रतिनिधियों को, पूरे MLA को, DC को, मंत्री को हमने विज्ञापन दिए, DPCM को विज्ञापन दिए, 18 जून को हमने करनाल में भी CM हाउस का घेरा किया, वहाँ भी सरकार ने टाइम दे के भी सरकार का मिलने के लिए ना बुलाना भी सरकार, मैं तो फेलियर कहूँगा सरकार का, आज नई बात तो है नहीं कर्मचारियों की, सरकार से आज कोई नई बात कर रहे हैं, और 42 दिन बैठाया गया भी सरकार ने, अभी ये धोखा है, धोखा ही है, अभी इनका आपकी 3 महीने, या तो शुरू में धरना शुरू होते ही सरकार कह देती है मैं आपकी ऐसे हम आपकी कार्य समीक्षा कमेटी बैठा दें तो वो समीक्षा करेगी, 42 दिन बैठा कर कर्मचारियों को कार्य समीक्षा के लिए बोलना भी एक धोखा ही कर्मचारियों के साथ, आप लोग भी तो नहीं माने ना बीच बीच में जो वार्तालाप होती रही, जैसे 19900 से 35400 मानने कैसे जी, 19900 की एकदम से थोड़ी कर्मचारी करे भी 19900 से इतनी हमारी बढ़ा दी, अब सरकार क्या करे, 1986 के बाद जितने भी हर 10 साल में पे कमीशन आते जी, हमने क्या बोले हमारे काम की समीक्षा करो, आज का टाइम है जो हम काम कर रहे हैं, जो वर्कलोड हमारे पास है, जैसे मैं तो एजुकेशन में हूँ, इसमें सभी डिपार्टमेंट है, जैसे मेरा एजुकेशन में है क्लर्क JBT TGT CNB सी ग्रुप में 4 कार्ड बनाए रखे हैं जी, जैसे मानो मेरे समक्ष JBT टीचर है, 20 साल पहले भी टीचर बच्चों को पढ़ाता था, आज भी बच्चों को पढ़ाता है, हो सकता है एक आध चैप्टर कम हो या ज्यादा हो गया हो, लेकिन 2012 में तो हमारे पास कंप्यूटर लागू हो गए, पूरी तरह टेक्निकल हो गया, आज कलर्क मैं खुद ही BOPC से कत्थर में कार्यरत हूँ, मेरे पास ही RTI है, CM विंडो है, मेरे पास सारा ई सैलरी का है, वर्कलोड सारा ऑनलाइन का काम करता हूँ मैं, और सरकार कहती है 1900 बिल्कुल जी 1900 ही है सर, वर्कलोड बहुत ज्यादा हो गया, हम कार्य की समीक्षा कर रहे हैं, हमारे कार्य की समीक्षा करो जो आज काम कर रहे हैं, और जी बिल्कुल सरकार ने हमारे साथ पहले भी धोखा ही कर रहा, जितने भी 86 के बाद 2023 है इतने पे कमीशन आए, जैसे हरियाणा सरकार सेंटर के रूल फॉलो करती है, सेंटर जो भी मानो किसी का 4% या कितना भी बढ़ाया सरकार ने, अन्य कैटेगरी का JBT अन्य समकक्ष कैटेगरी का तो सरकार जो का तो सरकार लागू करती गई, और कलर का जैसे 4 बढ़ाया उसको कम करती गई, 2016 के लास्ट सैनिक कमीशन में बिल्कुल ही पिछड़ गए, अगर इसके अनुसार भी सरकार के रूल के मुताबिक तुम्हारी तो इतने 29,930,000 तो हमारी पहली बेसिक बैठती है, सरकार जो दे रही है सेंटर उसके अनुसार भी ठीक है जी, काम की समीक्षा मांगे अभी हमारे काम की समीक्षा कीजिए, वर्कलोड चेक देखें, धरातल पे कुछ सरकार बात करे, ये न कहे भी एक अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए FD में ये कह देना सरकार का कलर तो डायरेक्ट डिस्पैच का काम करते हैं, आज हर किसी भी ऑफिस में आप जाकर देखिए कितना वर्कलोड है कलर के ऊपर, इतनी जिम्मेवारी है बहुत ज्यादा, एक DDO भी साइन नहीं करता कि अगर कोई भी हम डाक रिपोर्ट तैयार करते पहले नहीं करता नीचे साइन करके डेट पाओ, ये जिम्मेवारी आपके आप डाट कर दिया, एक लाइन में DDO लिख कर दे सकता है ये आपकी जिम्मेवारी, ये भी कलर लिख कर देगा, ये जिम्मेवारी है, ये नोटिंग बनती है इसकी हर तरह की। तो ये थे हमारे साथ कलर एसोसिएशन कैथल ब्लॉक के जो प्रधान है राकेश धारीवाल, जिनसे विशेष बातचीत भी की और उन्होंने अपना आगे का जो प्लान है वो भी बताया, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचे।